यूनिट कन्वर्जन, क्या बाबू? यूनिट कन्वर्जन, मात्रक परिवर्तन, मात्रक या इकाई, इकाई परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ठीक, डेसी, सेंटी, मिली, बोलिएगा क्या आप लोग इसको नहीं पढ़े हो? एकदम पढ़े हो, वही तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हो, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, क्यों पढ़े? अच्छा, अब ग्राम के स्थान पे हम लोग मीटर भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बाबू? मीटर भी ले सकते हैं हम लोग, लीटर भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक? बोलेगा, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, क्यों लिख सकते हैं, कोई परेशानी? तो आप चाहे ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए, किसी भी तरफ से पढ़ेंगे तो बात वही होगी। अच्छा, अब समझते हैं, गौर से देखिएगा, जब हम ये जितने आपके यूनिट हैं, यूनिट कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने यूनिट कन्वर्जन है, यदि हम इसमें बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, किधर चलेंगे? बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो इसमें गुणा होगा, क्या होगा बाबू? गुणा होगा, ठीक, कोई परेशानी आप लोगों को? और यदि इसमें दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलेंगे, किधर चलेंगे? दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो इसमें भाग होगा, क्या होगा बाबू? भाग होगा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है इतनी पॉइंट? Yes, sir. समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? जब आप बाएं से दाएं चलेंगे तो गुणा होगा, और जब आप दाएं से बाएं चलेंगे तो क्या होगा? भाग होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब आइए, हम सब के नीचे चाहें तो 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, यहां 10 लिख ले, 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 यहां 10 लिख ले। अब इसको हमको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? गौर से समझिएगा, एक किलो में कितना हेक्टो? अब देखिए, अब ये ग्राम को लीजिए, चाहे मीटर को लीजिए, चाहे लीटर को लीजिए, किलो अगर ग्राम ले रहे हैं तो ग्राम लगा लीजिए, ठीक, मीटर ले रहे हैं तो मीटर लगा लीजिए, लीटर ले रहे हैं तो लीटर लगा लीजिए, कि एक किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है बाबू? 10 हेक्टोग्राम। कि एक किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है तो कितना होता है? 10 हेक्टोग्राम। हम आपसे पूछ रहे हैं बाबू, एक किलोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है? बोलिएगा तो तुरंत आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा, अगर पूछ दे एक किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थ अब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलिएगा, अब इसको मान लीजिए हमको घात के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहां 10 के पावर
शून्य होगा, कितना होगा? शून्य होगा। यहाँ 10 के पावर आपका कितना होगा बाबू? एक होगा। यहाँ 10 के पावर कितना होगा बाबू? दो होगा। यहाँ 10 के पावर कितना होगा? तीन होगा। क्यों? जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना, संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 10, यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका, यहाँ एक मान लीजिए, कितना मान लीजिए? एक। यहाँ आपका 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 100। यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। बोलिएगा। इसी प्रकार से इधर आ जाइए, क्या आ जाइए? इधर आ जाइए, इधर आपका 10 के पावर माइनस 1, यहाँ आपका कितना आ जाएगा? बोलिएगा, 10 के पावर माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 3। अर्थात अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बाबू? 10, बोलिएगा, 100, यहाँ आपका 1000। होगा कि नहीं होगा? कोई परेशानी? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब चलिए तनी हम लोग कन्वर्जन करना सीख ले। ऐसे तो मज़ा नहीं दिया है, ये क्या क्या हम लिख दिए हैं, कुछ बुझा नहीं रहा है। तो हम लोग पहले इधर वाला देखें। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, क्वेश्चन के रूप में हम लिख दे रहे हैं। तो 1 किलोग्राम हम उतारने, और यहां से देखिएगा, 1, 2, 3, तीन अंक मिला, यानी 1000 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हम लिख दे गुड़ी 1000। क्यों? बराबर कितना आ गया? 1000 ग्राम आ गया। ऐसी को अगर घात के रूप में लिखना है तो कितना लिख देंगे बाबू? 10 के पावर 3। गिन लीजिए, 1, 2, 3। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, 1 को हम उतार लें, 1 को हम क्या कर लें? उतार लें। गुड़े कितना? 10, 1, 2, 3, तीन है, 10 के पावर 3। क्या कोई परेशानी? यह चीज तो हमने लिखा। अच्छा, इसी प्रकार से हम पूछ दे रहे हैं बाबू कि 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम, तो कितना ग्राम होगा बाबू? देखिएगा, तो 1 को हम उतार लें, क्लियर हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, अर्थात 1 और 1 2। तो हम क्या लिख देंगे बाबू? गुड़े 1 1 2 हो गया। तो हमारा क्या हो गया बाबू? 100 ग्राम, अर्थात 10 के पावर 2 ग्राम। बोलिएगा हुआ कि नहीं हुआ? कोई परेशानी? इसी प्रकार से 1 डेकाग्राम में पूछ दे कोई कितना ग्राम होता है, तो हम क्या बताएंगे बाबू? देखिएगा, लिखेंगे 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम, तो हम क्या बताएंगे बाबू? बोलिएगा, 1 गुणे 10 होगा कि नहीं होगा? बराबर कितना ग्राम बाबू? 10 ग्राम, अर्थात 10 के पावर 1 ग्राम होगा। कोई परेशानी? अच्छा, मान लीजिए हम पूछ दे रहे हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, क्या बाबू? अब मीटर से ले लें, ग्राम से हो गया ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। देखिए निकल नहीं जा रहा है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो कितना मीटर होगा बाबू? 1 गुणे 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर। बोलिएगा होगा नहीं होगा? या 1 गुणे 10 के पावर 3 मीटर, ऐसे हम निकाल नहीं सकते हैं। बोलिएगा। अच्छा, ये तो इतना हमको समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि
एक लीटर में, क्या बाबू गौर से देखिएगा, एक लीटर में, एक लीटर में कितना मिली लीटर, क्या हम नहीं बता देंगे? बोलिएगा यहां कितना है, 1000 है ना, तो हम क्या लिख देंगे, एक लीटर बराबर कितना मिली लीटर बाबू, 1000 मिली लीटर, क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है? बोलिएगा इसी प्रकार से कोई पूछ दे आपसे कि एक लीटर में कितना सेंटीलीटर बाबू, 100, कितना 100, तो हम के एक लीटर बराबर 100 सेंटी। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पूछ दे कि एक लीटर में कितना डेसीलीटर, बोलिएगा कितना 10 डेसीलीटर, तो हम लिख दे एक लीटर बराबर 10 डेसी लीटर। क्लियर हो गया? अर्थात हम इधर जा रहे हैं तो देखिए गुणा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, कोई परेशानी? अब हम लोग इधर से इधर चलेंगे, इधर चलेंगे यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न हमारा है पहला, हम कह रहे हैं कि एक ml में कितना लीटर, देखिए उल्टा हो गया, एक ml में कितना लीटर यानी एक मिलीलीटर में कितना लीटर होगा, तो हम जानते हैं कि एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, क्यों जानते हैं कि नहीं जानते? तो एक मिलीलीटर पूछ रहा है अर्थात 1000 का भाग देंगे तो बताइए लीटर नहीं निकल जाएगा? गौर से समझिएगा, प्रश्न हमारा है एक एक मिली लीटर में कितना लीटर में कितना लीटर हो गया, तो ये बताइए एक लीटर बराबर तो हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर होता है, तो अब कह रहा है एक मिलीलीटर में बताइए, तो ये बताइए भाग नहीं हो जाएगा? तो देखिए इसीलिए तो हम लिखे हैं कि इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा बाबू, भाग होगा, क्या होगा भाग होगा, अर्थात हम लिख लेंगे एक ml बराबर कितना बाबू, 1/1000, क्यों लिख सकते हैं? अच्छा जब 1/1000 लिख सकते हैं तो अगर साइंटिफिक नोटेशन के रूप में इसी को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे बाबू, बोलिएगा, तो एक तो हमारा है ये उतर जाएगा, 1×10^-3, बोलिएगा होगा कि नहीं होगा, कोई परेशानी? अच्छा ये 3 आपका क्या कहलाएगा, लीटर कहलाएगा, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा इसी प्रकार से अब आइएगा, अगर आपसे पूछ दे कि 1 सेंटीलीटर में कितना लीटर, क्या बाबू 1 सेंटीलीटर में कितना लीटर, 1 सेंटीलीटर में कितना लीटर, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, देखिएगा 1 सेंटीलीटर एक सेंटीलीटर बराबर क्या होगा बाबू, 1/100 होगा नहीं होगा, अर्थात लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, 1×10^-2 लीटर, बोलिएगा होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर पूछ दे कि 1 डेसीलीटर में कितना लीटर, क्या पूछ दे 1 डेसीलीटर में कितना लीटर, 1 डेसीलीटर में कितना लीटर, तो हम क्या बताएंगे बाबू, 1 डेसीलीटर बराबर यानी हम लिख देंगे 1/10 होगा कि नहीं होगा, भाग दे देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा बाबू, 1×10^-1 लीटर, कोई परेशानी आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा मान लीजिए
अगर इसी प्रकार से आपसे पूछ दे कि एक लीटर में कितना डेकालीटर, क्या पूछ दे बाबू? एक लीटर में कितना डेकालीटर, या आ जाइए, एक लीटर में कितना किलो लीटर, क्या पूछ दे बाबू? एक लीटर में कितना किलो लीटर, हम लिख रहे हैं एक लीटर में कितना किलो लीटर, किलो लीटर बोलेगा तो कितना किलो लीटर होगा बाबू, बोलेगा कितना होगा? एक बट्टा एक हजार होगा कि नहीं होगा? एक बट्टा एक हजार, तो कितना आ जाएगा? एक गुणे दस के पावर माइनस तीन किलो लीटर, किलो माइनस है बाबू, क्या है? किलो लीटर, समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए आपको इसी प्रकार से पूछ दिया कि एक मीटर में कितना किलो मीटर, पूछ सकता है एक मीटर में कितना किलो मीटर, तो कैसे निकालेंगे बाबू? देखिएगा, एक मीटर में कितना किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर होगा बाबू, बोलेगा हाँ कितना होगा? एक बट्टा एक हजार किलोमीटर, क्यों? यही होगा, अर्थात क्या हो जाएगा बाबू आपका? एक गुणे दस के पावर माइनस तीन किलोमीटर, देख रहे हैं ना? अगर ये पैमाना हमको याद है तो हम आसानी से इन चीज़ों को निकाल लेंगे, क्लियर हो गया? कुछ चीज़ें हैं उसको हमको याद रखना होगा, कुछ चीज़ें हैं उसको हमको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दे कि एक मीटर में कितना माइक्रोमीटर, क्या पूछ दे बाबू? पूछ दे आपसे कि एक मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, क्या पूछ दे बाबू? कितना माइक्रोमीटर, तो कितना माइक्रोमीटर होगा बाबू? 10 के पावर माइनस 6 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होगा, समझ में आ गया? अच्छा, इसी प्रकार से आपसे पूछ दे कि एक मीटर में कितना नैनोमीटर, क्या पूछ दे बाबू? एक मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर, तो कितना होगा बाबू? 10 के पावर माइनस 9 नैनोमीटर, नैनोमीटर। एक फार्मूला और यूज होता है बहुत ज्यादा, एक मीटर में कितना पिकोमीटर, क्या यूज होता है बाबू? एक मीटर में कितना पिकोमीटर, कितना पिकोमीटर बाबू? 10 के पावर माइनस 12 पिकोमीटर होता है। तो क्या उतारिएगा आप लोग?